साक्षी वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़े कुछ खास अपडेट। वैसे अगर हम साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म की लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एसएस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म ट्रिपल आर का आता है। फिल्म का ऐलान जब से मेकर्स ने किया है तभी से पूरे देश की निगाहें ट्रिपल आर फिल्म पर टिकी हुई हैं। ऐसे में दर्शक फिल्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए उत्साहित हैं। आपको बता दें कि फिल्म ट्रिपल आर साउथ की सुपरस्टार के अलावा बॉलीवुड के सुपरस्टार कलाकार भी शामिल हैं, जिसमें रामचरण जूनियर, एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे कलाकार हैं। इन कलाकारों के साथ मिलकर डायरेक्टर एसएस राजमौली अपनी फिल्म ट्रिपल आर का निर्माण बड़े स्तर पर कर रहे हैं, जिसके लिए मेकर्स ने भी करोड़ों रुपए फूके हैं। ऐसे में दर्शकों को भी एसएस राजमौली से काफी ज्यादा उम्मीद है, जिसकी वजह से वो दर्शकों की उम्मीद पर खड़ी उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में फिल्म निर्देशक एसएस राजमौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में ट्रिपल आर से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई है। बाहुबली फेम मशहूर स्क्रीन राइटर और राजमौली के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स देखे और ये जबरदस्त बन पड़े हैं। फिल्म के इन एक्शन सीन्स के बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि वो रामचरण और जूनियर एनटीआर के इन एक्शन सीन्स को देखने के बाद रो पड़े थे। केवी विजेंद्र प्रसाद का ये इंटरव्यू तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाहुबली के एक्शन सीन्स को देखने के बाद ट्रिपल आर को लेकर पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है, जो केवी विजेंद्र प्रसाद के इस इंटरव्यू के बाद और भी बढ़ गई है। इससे पहले जूनियर एनटीआर ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म के एक्शन सीन्स को निर्माता निर्देशक ने बड़ी मेहनत से बनाया है। पूरी कोशिश है कि इन सीन्स को देखने के बाद दर्शक के मुंह से वाव निकल आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसएस राजमौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद स्क्रीन राइटर हैं, जिन्होंने बाहुबली फिल्म के लिए काम भी किया था और केवी विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म ट्रिपल आर को लेकर बात की है। ऐसे में आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।